हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा के अंदर, और अल्मोड़ा के अंदर पहुंचते ही हम लोगों की बाइक रेस्ट मोड पे है। हेलो एवरीवन, हेलो ट्रैवलर्स, हेलो दगड़िया। हम अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉग चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, अलग अलग प्लेस की ब्लॉग्स रिकॉर्ड करके इसमें अपडेट किया करेंगे। बहुत ऐसे ऐसे प्लेसेस आपको दिखाएंगे जो शायद आपने ना देखी हो, शायद आपने देखी भी हो, बट उसको एक बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करके, बहुत अच्छे शो करके आप सबके आगे प्रेजेंट करेंगे। आई होप सो आपको हमारा चैनल पसंद आएगा। एंड ये व्यू देख रहे हैं आप, ये हमारे गाँव अल्मोड़ा का व्यू है, नॉट एनी लाइक शिमला, कोई शिमला नहीं है, कोई मैक्लोडगंज, कोई त्रिउंड नहीं है, ये हमारा गाँव है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, जब हमारा गाँव इतना प्यारा हो सकता है तो जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो कितना अच्छा होगा। सो होप सो आप लोग को व्लॉग अच्छा लगेगा, एंड स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू शो यू लॉट्स मोर इंटरेस्टिंग थिंग हियर। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अबरू हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर, ये धुआं तन हर बदली चली आती है चूने, और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये है भी ना हो किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खपा नहीं, शहर एक से गांव एक से लोग एक से। हे गाइस, हम लोग अभी पहुंचे ठाकुर द्वारा, और आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर रुके हुए। बारिश बहुत तेज़ आ रही है, और मतलब ऐसे हालत हो रखे कि हम लोगों को रुकना पड़ा है। और लक्की हम इसलिए क्योंकि हमें एक शॉप मिल गई जिसके बाहर बैठ के हम लोग वेट कर रहे हैं। आसमान में देखो बिजली ऐसे कड़क रही है जैसे एवेंजर का थॉर यहाँ पर प्रेजेंट है, और वो अपना हथौड़ा चला रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही है इस बिजली को देखते हुए मेरे को। फाइनली बारिश बंद हो चुकी है आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे हम लोग इस जगह पे बैठे तब जाके बारिश बंद हुई है। और हम लोग अपना बैग पैक कर रहे हैं, कुछ चीज़ भीग चुकी है बैग में, उनको अच्छे से सेट कर रहे हैं और निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से अभी भी हमारा 300 किलोमीटर रह गया है। सो होप फॉर द बेस्ट, चलते हैं आगे, मिलते हैं। बहुत तेज़ बारिश हुई है जैसा आप लोगों ने देखा था अभी पीछे। तो बारिश होने की वजह से उत्तराखंड में बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि जब भी बारिश होती है तो एक छोटी सी नहर घाट टाइप पहाड़ों से निकल के रोड तक भी आ जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। तो अभी तो थोड़ा नहर का फ्लो कम हो गया, तो इसलिए पुलिस वालों ने हमें अलाउ कर दिया जाने के लिए। तो लेट्स सी, हम लोग मूव कर रहे हैं। साहस भाई, साहस, बाइक फिसलने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो डर भी लग रहा है, लेकिन चलते हैं देखते हैं।
भाई साहब क्या आ रहा है ये इतना ज्यादा। हो जाएगी भाई क्रॉस, पत्थर ना आने चाहिए बस। ओ भाई ध्यान से हाँ, थोड़ा आराम से। यो चलो अल्मोड़ा राइट नाउ। हमारी बाइक में हवा कम हो गई है तो जो मेरे साथ है वो आप बाइक में हवा फिल कर रहे हैं। ये कर्तव्य मैन कोरोना फ्री एरिया, कोरोना फ्री जोन जोन कोरोना फ्री जोन उत्तराखंड फाउंड टेंपल आफ्टर एवरी किलोमीटर देव। ओए हवा भरने वाले, हवा भर, ओए हवा भरने वाले, हवा भर, देख रहे हो हवा भरने वाले का एटीट्यूड।
देखो ये देखो ये देखो, एक लड़के से बाइक नहीं उठ रही है ये। भाई लोगों सीधी करो, लज्जा है इसपे, इसने बाइक गिरा दी। कर अबे कर। भाई लोगों बहुत बुरी हाल है रोड की, बहुत बेकार रोड है, बहुत ज्यादा बेकार रोड है, मतलब इतनी ज्यादा कि चलाने के टाइम 10 बार सोचना पड़ रहा है। रोड रोड खचा खच। हाँ हाँ मैं खा नहीं पता चल रहा है, खा लगा था ऐसा महसूस हो रहा है फिर आपको यहाँ आते हुए? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, इतना बढ़िया महसूस क्या हो रहा है, लेकिन लेकिन मैं इतना गांव वालों से इतना दुखी हूँ, इतना खफा हूँ कि इन लोगों को कोविड का मतलब क्वारंटीन का मतलब पता नहीं है, उसके बाद भी हमें क्वारंटीन पे रख रहे हैं, जबकि हमारे पास ऑल टोटल रिपोर्ट्स हैं MBBS डॉक्टर फ्रॉम दिल्ली। एब्सोल्युटली राइट, आई एम एग्री बट लीव इट। सही बात है, विश्वास ही नहीं है, विश्वास खत्म हो गया। ओके बाय बाय। लग रहा है मेरे फोन से फोन कर लगा, बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा। क्या करा जाए, एक चीज करते हैं, यहाँ चलते हैं। अरे फाइनली हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद 500 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं। हम तीनों लोग यहां पर फ़ोन में हम पुरानी पुरानी फोटोज़ देख रहे हैं, हम कैसे कैसे आए, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जो भी बोलो, एक चीज़ दिखाऊं, अल्टीमेट है, दिस इज माय होम टाउन। हम लोग पानी से जा रहे थे, मैंने इतनी तेज चलाया इसका कच्चा तक भीग गया। इसका कच्चा कहाँ है जो भीगा हुआ, ये देखो ये अभी भी कच्चा यहीं रखा है, सूख गया है। कल से आज तक अब सूख रहा है। और क्वारंटाइन में है अभी हम लोग यहाँ पर, क्वारंटाइन में, ये देखो क्वारंटाइन का। लेकिन इस व्यू ने सारी थकान को हटा दिया है, बहुत थक गए थे चल के, इस व्यू ने सारी थकान को हटा दिया है। अल्टीमेटली मेरा बैग सूख रहा है, भीग गया था बारिश में, कपड़े भी सूख रहे थे बट वो अब हटा दिया है, बट फाइनली वी डिड इट जल्दी। हेलो दगड़ियो, हमारे यहाँ पर घर पे बादल आ चुके हैं, हम बादल में घिर चुके हैं और सब लोग शूटिंग में बिजी है, एक से एक फोटो भी खींच रही है, सेल्फी भी हो रही है, लेकिन फोटो में भी बादल आ रहे हैं। इतना प्यारा व्यू है यहाँ पर, लेकिन अभी बारिश के टाइम में बादल बिल्कुल हमारे फेस के सामने आ रखे हैं। इट्स लाइक जो व्यू हम लोग जाते हैं मैक्लोडगंज देखने, शिमला देखने, नैनीताल देखने, वो व्यू हमें हमारे गांव से दिखता है। दैट्स व्हाई वी सेड उत्तराखंड इज द लकीस्ट वन, बिकॉज दे बॉर्न इन उत्तराखंड। लुक एट द व्यू, देखो बादल बिल्कुल फेस के सामने, वी कैन टच इट इजीली। ये बारिश हो रही है इसलिए ऊपर नहीं जा सकता, वरना मैंने टच करके आप लोगों को दिखाता। इट्स सुपर मैन। जोहर आदमी इश्क तेरा रंग दिखा जा, तू मेरे साथ आजा, एक बार आजा। तुम भी पीना चा,
और क्या बोलूँ, जो चावा पहाड़ी, ये हमारे गांव से भी व्यू है, जहाँ तुम पैसे दे के जाते हो वहाँ फ्री में रहते हैं, जिसको भी जाना ना हो 1000 रुपये जो देना, लेकिन क्वारंटाइन होने पर 14 दिन पैसे देने पड़े, ठीक छ, और प्रधाना साइन भी लेने पड़े, ठीक छ, बाकी क्वारंटाइन में फुल व्यवस्था, ओ खाना पीना, खाना पीना सब मिला, मक्खी मक्खी भी मिले तभी खावा वो दिख रही, मक्खी भी दिख रही ना, बहुत तेज नहीं दिखनू तुम्हार आँख इतनी तेज नहीं थी, अच्छा हमारा थुलदा जुल्ड फूल लगे थे, ये देखो जूते हमारे मातार दा तार लदो लदो और चावा मार दास लदो कि ग्लास ग्लास टिक जाने पे ओ बाप बेटा रे ए ताई यो बार बाहर निकाल दी यारे ना यस करे टेढ़वा, ओ चलो 3 2 1 जादू अंदर गए। मेरा ये डब्बा ख़राब हो गया है, बज नहीं रहा है अभी, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई और यहाँ लाइट नहीं आ रही कि मैं इसे चार्ज कर सकूँ, सो अब मैं इसे खोल के इसका ऑपरेशन करने वाला हूँ। हेलो दगड़ियो, हेलो एवरीवन, ये जो आप व्यू देख रहे हो ये मेरे गांव चंद्रखानी से और जहाँ पर हम होम क्वारंटाइन हो रखे हैं उसकी छत से ये व्यू है, और बहुत जल्दी हमारा होम क्वारंटाइन ख़त्म होने वाला है, और जैसे ही हमारा होम क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा मैं आप लोगों को अपने गांव और इस अल्मोड़ा की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से प्रे करो हमारा होम क्वारंटाइन ख़त्म हो जाए और हम अच्छे से यहां से पूरे उत्तराखंड पूरे अल्मोड़ा को घूम के आप लोगों को दिखा सके। एंड गाइस सच्ची बोलूं, मेरा मन नहीं कर रहा मैं यहां से कैमरा लाऊं, मेरा मन कर रहा है कि ये व्यू मैं आप लोगों को दिखाता रहूं, ये इतना अमेजिंग है और ख़ुद भी देखता रहूं। ये सारे ब्लॉग शूट करेंगे, सो थैंक्स टू दिस ट्राइपॉड एंड थैंक्स टू इंडियन जो व्यू ना देखो हम लोग यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं, बहुत प्यारा मौसम होगा, बहुत गजब का मौसम होता है, हे एवरीवन, आई होप सो अभी तक का ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। उत्तराखंड में बहुत ऐसी चीज़ें और मैंने बहुत ऐसी चीज़ें आज शूट करी हुई है जो आप लोगों को दिखानी है, लेकिन एक ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए आई एम मेकिंग अ सेकंड पार्ट दिल्ली वालों की उत्तराखंड ट्रिप, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, सपोर्ट आवर चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड वी आर गोइंग टू शो यू मेनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस देयर, स्टे ट्यून्ड।